प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 26 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने जा रही है, जिसमें अकेले मनरेगा से ही 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा तथा एमएसएमई से करीब 50 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को एनआईसी हॉल में कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से योजना के लाभार्थी नरेंद्र सिंह से बात करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, अमरेंद्र जी का और रामचंद्र जी का दोनों लोग हैं, रामचंद्र जी कौन है? खड़े मत होइएगा, जब प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे खड़े मत होइएगा, नमस्कार करिएगा। भारत योजना के अंदर कल प्रधानमंत्री जी बहुत लोग से बात करेंगे, उस पर गोरखपुर का भी यहाँ नागेंद्र सिंह है उन्हीं से भी वार्ता करेंगे, उसके अलावा तमाम विभिन्न जनपद से तमाम योजना चल रही है उसी के चर्चा भी करेंगे। गोरखपुर में खासतौर पे स्वरोजगार योजना के अंदर जो मुद्रा स्कीम के अंदर जो लोन मिला है वो भी बाहर से आया है व्यक्ति, जो नायन सिंह है वो अहमदाबाद से बात किए, लॉकडाउन के वजह वो बाहर लौट के आया है, आने के बाद उनको 1 लाख रुपया का लोन मिला है, उसे 2 भैंस खरीदा है और वो पहले भी इनका सरकारी योजना में काफ़ी फ़ायदा मिला है, 17-18 में इनका प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिल चुकी है, राशन कार्ड बनी हुई है, 1000 रुपया मिला है शासन के स्तर से जो लॉकडाउन के कार्यकाल में, और राशन किट भी मिला है और अनेक फ़ायदा लिया है और अपने मन भी बना लिया यहाँ ही रह के काम करने के लिए, उन्हीं से बात कराने चाहते हैं कल प्रधानमंत्री जी भी। उसके अलावा विभिन्न जनपद से और बहुत लोग से बात करेंगे, कल बहरई से बात करेंगे, गोंडा से बात करेंगे, तमाम लोग से बात करेंगे। कल ये आत्मनिर्भर भारत अभियान खासतौर पर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी के कल 11 बजे के आसपास मीटिंग होगी और इन लोग से वार्ता भी करेंगे। गोरखपुर में हम लोग 1 लाख लोग का वैसे ही रोजगार दे रहे हैं मनरेगा के अंदर, उसके अलावा हमारा तो और लोग भी कैटेगरी होता है, करीब 2 लाख 2.5 लाख लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग का कैटेगरीज कराया किस किस कैटेगरी में है लोग, ज़्यादातर लोग जो अनस्किल्ड होते हैं, जो किसी काम का ज़्यादा जानकारी नहीं रखते उन्हीं लोग का नरेगा के अंदर तुरंत हम काम में लगा दिए, बाकी जो कुछ स्किल्ड कैटेगरी लोग हैं, कुछ प्लम्बर फिटर वेल्डर और उस फोरमैन इसी टाइप के लोग हैं, उन लोगों का सूची बना करके तमाम एजेंसी उसको मांग रही है, उनके 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी में नौकरी की व्यवस्था करा लेंगे। सर जो स्वरोजगार करना का चाहते हैं, स्वरोजगार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्कीम इस बार खोल दिए,
एक स्कीम हम लोग तो 1 जुलाई से प्रारंभ करने वाले हैं, खासतौर पे जो ठेला सब्जी बेचने वाले उन लोगों का छोटे छोटे कारोबारी है। करीब गोरखपुर जनपद में 18,000 लोग हम लोग चिन्हांकन करके रखा है, उन लोगों का 10,000 रुपया बहुत सब्सिडाइज्ड ऋण के जरिए से बैंक के जरिए से मिल जाएगा, उसे कोई गारंटी वारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 18,000 लोग का उसी योजना के अंदर आच्छादित करेंगे। उसके अलावा जो इस समय में स्कीम है, खासतौर पर MSME के अंदर जो काम कराने वाले हैं, उन लोग का अपने आप टॉपअप हो जाता है उनका लोन का कंपोनेंट। उसके अलावा किसी का अलग रोज़गार कराने के लिए लोन चाहिए, उसका भी बहुत सरल तरीके से सारे बैंक ने अभी व्यवस्था करा रहे हैं, और उसका हम लोग रोज़गार मेला और लोन मेला इसी टाइप का व्यवस्था भी ऑनलाइन के जरिए से बहुत सारे करा रहे हैं। और किसी के भी लोन का किसी भी दिशा पे अपने निवेश करने चाहते हैं, नहीं तो बढ़ाने चाहते हैं अपने दुकान का व्यापार का, उसी के भी प्रशासन हमेशा साथ देगा। और स्वरोजगार लोग का हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं अपने अपने आत्मनिर्भर बनाएँ, और किसी नौकरी से करने से बेहतर अपने अपने एक काम धंधा शुरू कर दें, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए।